हमने 1 जुलाई से एक नया कोर्स चालू किया है जो हमारे एवरी 8 या 10 साल में हम लोग कोर्स को हम रिवैम्प करते हैं, तो जो नई चीज़ें आ रही हैं दुनिया में उसको हम देख के नया कोर्स बनाते हैं। एक खास इसमें जो मूलभूत फ़र्क है, अपने जो हमारी एंट्रेंस एग्ज़ाम थी पहले बहुत ईजी थी, 200 मार्क की ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम थी, तो पहले हमारे पे बहुत शिकायतें आती थी कि आपके यहाँ पे प्रोफेशनल एंटर हो रहे हैं, लोग निकल नहीं रहे बाहर। तो हमने एंट्रेंस को थोड़ा ज़्यादा टफ किया, मेडिकल और इंजीनियरिंग के ज़्यादा जितना टफ नहीं, जिसमें 200 मार्क के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 200 मार्क के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 400 मार्क की एंट्रेंस हो जाएगी, इसको अभी फाउंडेशन कोर्स बोले। इसमें हमने एक दो नए सब्जेक्ट भी लेके आए हैं, एक तो थोड़ा इकोनॉमिक्स लेके आए हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस और अपना तो ऐसे नए सब्जेक्ट लेके आए हैं, इंटर में भी बिजनेस इकोनॉमिक्स लेके आए 50 मार्क्स का, और फाइनल में पहली टाइम हमने एक इलेक्टिव पेपर चालू किया है कि 7 पेपर फिक्स्ड है जो सब्जेक्ट्स, एक पेपर में जो स्टूडेंट है वो चॉइस कर सकता है उसको कौन सा सब्जेक्ट में आगे स्पेशलाइज करना है, IFRS है या अपना इंटरनेशनल टैक्स है, रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट्स, ऐसे 6 सब्जेक्ट हमने चॉइस दिए हैं। तो ये फ़र्क लाए हैं, और जितने आज कंटेम्प्रेरी और ओपन बुक एग्जाम और जितना एप्लीकेशन ओरिएंटेड होगा उतना हम एप्लीकेशन ओरिएंटेड एग्जाम करने। तो सर, बदलाव का मोटा उद्देश्य क्या है? आज जो नए हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं वो ग्लोबल में आज की जो परिस्थिति उसके हिसाब से वो और मतलब इक्विप हो, उसलिए हमने बदलाव लाया। तो सर, ये देखने में आता है कि CA फाइनल का रिजल्ट 9 से 10% ही रहता है, ऐसा क्यों? नहीं, इसीलिए मैंने बोला हम अभी एंट्रेंस थोड़ा टफ कर रहे हैं, तो इनपुट आउटपुट रेशियो हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी क्या एंट्री काफी लोगों की हो रही है, एग्जिट थोड़ी कम हो रही है, तो जैसे हम लोग एंट्री इस वजह से थोड़ी कम हो जाएगी बट फिर आउटपुट ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सर, जोधपुर जो है CA का हब माना जाता है, पिछले कुछ समय से यहाँ पर CA को लेकर रुझान काफ़ी कम हुआ है, ये आपके ध्यान में है सर? नहीं, मेरे ध्यान में नहीं है, हमारे लिए तो जोधपुर हब ही है CA का जी, हमारे लिए जोधपुर का। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा रुझान कम देखने को मिला सर। एक थोड़ा ये बच्चों में मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे जो रिजल्ट को लेके थोड़ा एक वो फियर है कि पास नहीं होंगे। सभी आपके थ्रू, आपके माध्यम के थ्रू ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कोर्स में एक सबसे बड़ी खूबी की बात है कि जो 3 साल की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो रही है वो किसी ने भी ठीक किया, सी डिग्री मिले नहीं मिले उसको आगे कोई तरक्की से रोक नहीं सकता है, जिसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जैसे अपने आपने 3 इडियट देखी थी जिसमें अमेरिकन मतलब काबिल बनो, तो हमारी जो काबिलियत है वो हमारे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में, डिग्री तो बहुत ही अच्छा है। आज जैसे हमारे जो CA फाइनलिस्ट, हमको कहीं बॉम्बे में CA फाइनलिस्ट नहीं मिलते, इंडस्ट्री को चाहिए CA फॉर्म्स को, कहीं वो उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इतने वो डिमांड में है, CA के अलावा CA तो डिमांड में ही है, CA फाइनलिस्ट भी बहुत डिमांड में है। तो ये कारण, तो बच्चों को ये मैं सुझाव देना चाहूँगा। दूसरा, आपके माध्यम के थ्रू पूरे आपके जोधपुर और राजस्थान में हमारे जैसा कोई कोर्स दुनिया में है ही नहीं, आज एक 50,000 से कम की लागत है, आप कोचिंग का छोड़ दो, कोचिंग भी मिला लो, और जो स्टाइपेंड मिलती है उसके अंदर पूरा 0 कॉस्ट कोर्स में आज आपको अच्छे से अच्छी नौकरियां मिलती हैं। आज इंजीनियरिंग में हम 15-20 साल 25 साल पता नहीं कितना लोग खर्चा करके फिर भी 15-20 हज़ार की नौकरी मिलती है, तो उस एंगल से भी अपने फैमिलीज को बदलने के लिए, अपने देश को बदलने के लिए हमारा बहुत अच्छा। सर, इस बार इंग्लिश भी अनिवार्य किया है, बहुत बेसिक इंग्लिश है एंट्रेंस में। सर, कई बार ये सुनने को आता है कि आर्टिकलशिप के दौरान बच्चों को स्टाइपेंड वगैरह नहीं मिलता है। नहीं, ये मैं नहीं मानता हूँ, ऐसे को हमारे सामने कोई केस आया नहीं है, सब सफिशिएंट बेसिस पे है। नहीं, आज तो आर्टिकल्स की इतनी डिमांड है सब जगह पे कि भाई बॉम्बे जैसी जगह में तो 5,000, 8,000, 10,000 का स्टाइपेंड मिल रहा है, बॉम्बे की बात कर रहा हूँ, जोधपुर का मुझे आइडिया नहीं है, बट कोई ऐसे उसमें हमको कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली। सर, CA की डिमांड में और उनके आने में कितना गैप है सर? डिमांड तो बहुत ही है, आज हमारे कोई भी CA अनएम्प्लॉयड नहीं है। ठीक है, आज इंडस्ट्री का ओवरऑल अभी काफ़ी सालों से स्टेबिलाइजेशन हो गया, नया ग्रोथ नहीं हो रहा चाइना के ओवर सप्लाई की वजह से, तो जब इंडस्ट्री का डिमांड बढ़ेगा तो बहुत ही डिमांड हो जाएगी। अभी जो समझो पास हो जिसको इंडस्ट्री में जाना है नहीं जा सकते, पर हमारे बाकी CA फॉर्म्स में प्रैक्टिस में इतनी अपॉर्चुनिटी, CA सबको ऑलराउंडर बना देता है कोई भी काम में, जैसे हमारे राठी जी हमारे ऑलराउंडर सीमेंट के स्पेशलिस्ट थे एक टाइम पे, जैसे हमारे सुरेश प्रभु जी आज वो क्लाइमेट में रेलवे मिनिस्टर तो ही है बट क्लाइमेटिक चेंज में बहुत मतलब मायने रखते, तो हमारे CA सभी मतलब कामों में इतने सजग हैं, ऑलराउंडर बन जाते, फिर जो भी काम वो चूज करे वो बन जाते। चलिए सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। शूट, आई वुड लाइक टू पुट फ्यू थिंग्स आई हैव वेयर आई वाज इन्वॉल्व इन द व्हिच आर इन द कनेक्शन ऑफ द बेटरमेंट ऑफ द प्रोफेशन। लास्ट ईयर आई वर्क ऑन टू इंपॉर्टेंट मिशन, मेंबर एंपावरमेंट कमिटी, पुटिंग द वर्ड ऑफ द एंपावरमेंट, इट पिंच मी एवरी टाइम कि व्हाट, हाउ यू कैन एंपावर, आई डोंट हैव एनी सॉल्यूशन ऑफ दिस